मॉर्निंग, ये है ब्लैक सेंसर, ब्लैक बियर सेंसर, और मैं हूँ निशांत। ये देखिए ये ब्लैक बियर सेंसर, इसका नाम है BB200। BB200 स्पेशली गोलगप्पा के लिए डिजाइन किया गया है, गोलगप्पा सेंसर के लिए। और ये हमारा ब्लैक बियर सेंसर, इसमें कुछ दो ही कनेक्शन है, ये मेन सप्लाई का, ये वाटर पंप का, और ये इंडिकेशन कनेक्शन। ये सनलाइट में वर्क करता है, कोई इसमें सनलाइट में किसी तरह का इशू नहीं है। ये हम अभी आपको चेक करके दिखाते हैं। और ये हमारा ब्लैक बियर सेंसर है, ये ब्लैक बियर मतलब काला भालू सेंसर। ये देखिए हमने सिर्फ अडेप्टर से एक 12 वोल्ट का अडेप्टर लिया, इससे सिर्फ कनेक्शन किया है यहाँ से। ये देखिए ब्लैक बियर सेंसर में हमने कनेक्शन करा BB200 में, बस हमने सिर्फ सप्लाई दी। और ये देखिए ये इंडिकेशन चालू, और जैसे ही हमने सेंसर के आगे हाथ करा तो ये ऑपरेट हुआ। ठीक है, दोबारा हम सेंसर के आगे हाथ करेंगे, ये ऑपरेट होगा। इसका लुक देखिए, शेप देखिए, बहुत अच्छा है ना। ये देखिए, ठीक है, अब मैं इसके आगे से हाथ हटाऊंगा नहीं, मैंने हाथ रखे रखा है, तो वो टाइम कुछ टाइम ऑपरेट होने के बाद कह रहा है हैंड रिमूव करो। ब्लैक बियर काला भालू क्या कह रहा है कि अपना हाथ रिमूव करो। है ना, अब हम देखिए इसे वाटर पंप कनेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, ये काला भालू मुझे डेंजर पैदा कर सकता है, तो मैं थोड़ा सा इधर बैठता हूँ। ये देखिए हमने सिर्फ यहाँ वाटर पंप कनेक्ट करा, जैसे ही सेंसर के आगे हाथ आया, ये देखिए अभी यहाँ इसके आगे कोई सिग्नल नहीं है, ये मैंने सेंसर के आगे हाथ करा, ये ऑपरेट हुआ। जैसे मैंने भी हाथ करा, ये ऑपरेट हुआ, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। और इसे हम बाल्टी में रखेंगे तो ये इसी पंप से यहाँ पर पानी इंडिकेशन हुआ। ये देखिए एम्बिएंट लाइट है, सूरज की रोशनी भी इधर की तरफ पड़ रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, धूप में कोई रिफ्लेक्शन नहीं ले रहा है। अभी इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, ये देखिए लगभग 6 इंच डिस्टेंस है। ये देखिए हमने इसका डिस्टेंस फिक्स करा है, 6 इंच का भी, लगभग 7 इंच यहाँ पे डिस्टेंस है। और ब्लैक डियर सेंसर BB200, ये देखिए ब्लैक डियर सेंसर है BB200, और पानीपुरी के लिए स्पेशल डिजाइन सेंसर है। इसका क्या फायदा है कि इस सेंसर को हम लेंगे, वर्किंग आप समझ ही रहे हैं। हाँ, वर्किंग में मैं आपको टाइम का और बता देता हूँ, दो इसमें चीजें और हैं। ये देखिए है ना, यहाँ पे इसके लिए स्पेशल होल किया गया है लेजर कटिंग से, कंप्यूटर से। ये देखिए हमने इसका टाइम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, देखिए होल बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे किया है। अभी मैंने इसका टाइम पूरा कर दिया है, फुल मतलब 5 सेकंड कर दिया है। ये देखिए टाइम बढ़ गया है पूरा 5 सेकंड, 5 सेकंड का मतलब 5 सेकंड ही रहेगा, 5.1 भी नहीं होगा, 4.9 भी नहीं होगा। ठीक है, भालू वैसे भी पंचुअल होते हैं। तो ये हम इसका टाइम कम कर देते हैं, मैंने इसका टाइम बहुत कम कर दिया, 1 सेकंड से भी कम कर दिया। देखो ऑपरेट हुआ बंद, ऑपरेट हुआ बंद, ये लगभग ये मान के चलो 0.8 सेकंड, या लगभग 1 सेकंड में मान लो, तो पूरा 1 सेकंड ही होगा, ये 1.1 भी नहीं होगा, 0.9 भी नहीं होगा। ये देखिए है ना, मैं भालू को सेमी इधर रिफ्लेक्ट वर्क करके देख लेता हूँ। ये देखो देखो जैसे भालू हम ऊंच में आएगा आगे, ये देखो है ना, मैं और आगे ले नहीं सकता, भालू से खतरा हो सकता है मुझे, ये है ना। अब हम इसे इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक पुश बटन का और मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार कुछ कस्टमर ये कह रहे थे कि पुश बटन का आपने अपने शो नहीं करा है, तो पुश बटन का ये देखिए, ये हमने एक पुश बटन लिया, 2 वायर इसमें से एक्स्ट्रा आ रही हैं। ये देखिए 2 वायर एक्स्ट्रा आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर ये पुश बटन लगा देते हैं, हमने सिर्फ 2 वायर में पुश बटन लगाना है। ठीक है, अरे राजा भाई वो गए, तो हमने सिर्फ यहाँ 2 वायर निकाल ली हैं, और हमने यहाँ पर इसे यहाँ पुश बटन से ये कनेक्ट कर दिया। देखो अभी मैं क्या है, यहाँ पे पुश बटन दबा रहा हूँ, वाटर पंप चल रहा है, आपको आवाज से सुनाई दे रहा होगा, आवाज आ रही है ना वहाँ पे,
देखो पुश बटन दबाया, ये वाटर पंप चल रहा है रेगुलर, हटाया वो। हम इसे दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इन दो वायर को आपस में शॉर्ट करूंगा तो मतलब बटन ऑन वाटर पंप ऑपरेट। कहने का मतलब ये ब्लैक बियर सेंसर जो है मैनुअली भी वर्क करता है, ये कंफर्म करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है ना। तो ब्लैक बियर सेंसर ये शेप बहुत अच्छी है, देखिए बिल्कुल भालू से मैच करती है। तो हमने इसका नाम जो है ब्लैक बियर नाम से लॉन्च, ये है मार्केट में आपको ब्लैक बियर बीबी 200 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। बीबी 200, बीबी 201 इसका अपग्रेडेड मॉडल है और दोनों चीज में आपका बेसिक टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है। इधर आके मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, है ना। ये देखिए अभी हमने नॉर्मली क्या है, बस उस किट को उठा कर हमने यहाँ पर ऐसे ऐसा रख दिया और जैसे ही हमने वो सप्लाई की, ये देखिए यहाँ पे हमने हाथ करा और ये ऑपरेट हुआ, है ना। ये इंडिकेशन हमने इधर करा है, हम इधर भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये ब्लू कलर की लाइट रेगुलर चल रही है, जैसे ही हम इसके आगे हाथ करेंगे तो रेड कलर की लाइट करेगी, ये इधर ऑपरेट हो जाएगी। आप चाहो तो इस लाइट को उठा के हम इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे इधर लगाते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे हाथ करा दो गोल करके ये हो गया, है ना। अभी हम यहाँ पुश बटन दबाते हैं, हमने पुश बटन दबाया ये ऑन हो गया। देखो पानी का प्रेशर कोई ज्यादा तेज नहीं है, ब्लैक वाटर पंप का लोग कह रहे थे कि प्रेशर ज्यादा आता है 600 लीटर पर आवर आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लैक वाटर पंप का जो प्रेशर है ये देखिए बिल्कुल पानी का प्रेशर नॉर्मल है, जितना प्रेशर होना चाहिए पता था, नॉर्मली बता था, जो हल्के तेल का बता था कि ये वो हमारा एक अपना ये है, 8 बार हमने उसे रूटीन में लाने के बावजूद भी पता था नहीं टूटा, इसका प्रेशर रेंज से कोई इशू नहीं है, दूर दूर तक रिफ्लेक्शन का कोई इशू नहीं है। और ये ब्लैक बियर सेंसर ये देखिए, है ना। अब हम इसका टाइम हम मतलब कम करना चाहें कम कर सकते हैं, बतासे के हिसाब से ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर हमने इसे देखो रेगुलर दवाई रखा तो ये रेगुलर ऑपरेट हो रहा है। ये ब्लैक बियर सेंसर का कंपेरिजन हम इससे करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर से। ये देखिए ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, इसमें येलो कलर का एक सेंसर मार्केट में आ रहा है, वो 4 सेंसर येलो कलर के आते हैं। ये भी वही सेम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है लेकिन ये स्टील बॉडी में है, लेकिन ये इसमें क्या है कि इसके लिए अलग से किट की जरूरत है, लेकिन ये ब्लैक बियर सेंसर में वही सेंसर है वही कंट्रोलर है। तो ये जो ब्लैक बियर है ये सेंसर है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर से मुकाबले कई गुना अच्छा है। अल्ट्रासोनिक सेंसर कुछ जने है, मतलब ये इस पे होता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर है, देखिए ये अल्ट्रासोनिक सेंसर नहीं है, बिल्कुल अल्ट्रासोनिक सेंसर नहीं है, ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सेंसर है। BR200 बिल्कुल गोलगप्पे के लिए ही डिजाइन किया गया है और इसका स्लोगन भी यही है कि ओनली ब्लैक बियर सेंसर विल बी यूज फॉर पानीपुरी। ब्लैक बियर सेंसर BB200 ही पानीपुरी के लिए यूज होता है, वो बनाया भी इसी तरह से गया है। ये जो सेंसर है अल्ट्रासोनिक सेंसर उसके लिए नहीं है। देखो अगर हम ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाते हैं तो इसके लिए हमें अलग से किट की जरूरत होती है, लेकिन इसमें क्या है किट कंट्रोलर इसी में ही है, जबकि अल्ट्रासोनिक सेंसर में ऐसा नहीं है, सॉरी अल्ट्रासोनिक में नहीं, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक में। और सेम जो है अगर हम अल्ट्रासोनिक की बात करें या PIR की बात करें तो अल्ट्रासोनिक तो एक बहुत लो कैटेगरी होगी मार्केट में, 60-70 रुपए का आपको नॉर्मली सेंसर मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या है वो रेजिस्टेंस बेस पे काम करता है, हमें चाहिए माइक्रो कंट्रोलर बेस पे। और ये PIR सेंसर ये तो बिल्कुल फेल है, ये इसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा। PIR सेंसर या नॉर्मल IR सेंसर ये ह्यूमन बॉडी को सेंस करता है, अगर ह्यूमन बॉडी यहाँ पे आ रही है तो ये ऑपरेट कर जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए कि ह्यूमन बॉडी एक्यूरेट जब अपना हाथ ले तो उस रेंज में काम करे। तो कुल मिला के ये दो सेंसर जो है ये हम बोले अगर 90s के सेंसर हैं, 1990 के 2000 के तो ये होगा, अगर हम बोले कि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर सन 2000 से 2010 का सेंसर है तो वो सही रहेगा, और अगर हम बोले BR200 सेंसर 2021 का सेंसर है तो ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं ये अपडेटेड भालू है और ये हमारा यहाँ पे सेंसर है। और कोई भी इंक्वायरी हो नीचे फोन नंबर दिया है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, निशान छाबड़ा 7805360251 मेरा फोन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको अभी इसका सेट दिखाता हूँ, ये देखिए स्टैंड भी हम यहाँ देते हैं, ये स्टील का स्टैंड है और मैं इस सिस्टम को निकाल देता हूँ, मैं आपको दिखा ही चुका हूँ भाई। ये हो गया हमारा, ये देखिए ये स्टील का स्टैंड है, है ना। और ये मैं सामान ले आता हूँ यहाँ से सब, ये देखिए ये 4 का सेट है,
और इसके इसमें क्या है, इससे थोड़ा पीछे रख देता हूँ, भालू से बचा कर रखता है ना, और ये हमने क्या है, इस तरह की चार सेंसर किट है, एक दो तीन चार, इस तरह से चार सेंसर किट हम यहाँ पे रख देंगे, दो तीन चार, चार सेंसर किट है। और ये चार पुश बटन है, ये हम सब मैं इसी में रख के दिखा देता हूँ, एक दो तीन चार सेंसर किट है और चार वाटर पंप है और पाइप है और ये वायर है और एक 12 इन 1 वायर है, एक ही वायर के अंदर 10 वायर, यानी कि आपको इसमें कोई भी वायर किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम में आपको एक रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये पर नोजल का ही साथ है कि आप एक नोजल सेट लेते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। पहले हमारा ये वाला मार्केट में हमने उतारा था, ये 1500 रुपये पर नोजल था, यानी कि अगर आपको दो नोजल देने हैं 3000, तीन नोजल 4500, चार नोजल 6000। लेकिन ये अपडेटेड वर्जन है, अगर इसमें आपको बैकवियर सेंसर लेना है तो आप इसके लिए इंक्वायरी करें और फोन पे पता करें, और इसका रेट भी अपडेटेड है, जो भी रेट है वो हम आपको फोन पे इंक्वायरी पे बता देंगे, है ना। और नॉर्मली अगर आप ये वाला सेंसर का सेट लेना चाहते हैं तो ये आपको अगर जैसे तीन का सेंसर सेट है तो 4500 का, चार का है तो 6000 का, इस तरह से मिल जाएगा। और इसका BR200 जो है मार्केट में, अगर आपको लेना है आप मार्केट में ले सकते हैं, या अगर हमारे से लेना है तो आप इसका पता करें, इसका प्राइस के लिए आप कॉल करें। और इसमें वाटर पंप है, ब्लैक वाटर पंप यूज़ हो रहे हैं, इसमें मसाला आराम से निकल जाता है, ये हमारे और वीडियो में हमने दिखाया है कि ब्लैक वाटर पंप से मसाले की कोई दिक्कत नहीं आती। और ये स्टील का स्टैंड है, देखिए ये स्टील का स्टैंड देखो, इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ यहाँ पर आपने सेंसर किट रखते चले जाना है, मेल फीमेल कनेक्टर से कनेक्ट करना है और आपका सिस्टम रेडी, और बस यहाँ पे आपने सेंसर किट रखना है और इसमें से आपने वाटर पंप का पाइप निकाल देना है, ये देखिए, है ना। और अगर आप ये स्टील का स्टैंड लेते हैं अलग से तो ये आपको 1500 रुपये का स्टील का स्टैंड पड़ेगा, है ना। तो स्टील के स्टैंड का ये रेट है, ब्लैक बियर सेंसर का पूरा सेट एक ये है कंप्लीट, इसका जो प्राइस है आप मेरे से फोन पे पता कर सकते हैं, ये है। और तो ठीक है, और कोई भी इंक्वायरी पता करें।